ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। द्वितीय की समस्या, द्वंद्व की समस्या, हमारी द्वंद्वात्मक दुनिया में द्वंद्व की समस्या। दूसरा होना भी अच्छा है और दूसरा होना बुरा भी है। अब क्या करे आदमी, जब दूसरा है तब एक प्रश्न पर विचार किया गया कि शरण की खोज कर कोई शरण दे सके, और वह खोज दो दिशाओं में हुई। एक बाह्य जगत की दिशा में शरण की खोज हुई और एक अंतर जगत की दिशा में शरण की खोज हुई। तो बाह्य जगत की दिशा में जब शरण की खोज हुई तो वहाँ शस्त्र का निर्माण हुआ। अकेला चलता है डर नहीं लगता, पास में लट्ठी है तो भी डर नहीं लगता क्योंकि कुत्ता नहीं काटेगा। तो लाठी भी शरण बन गई, और लाठी से काम नहीं चला तो फिर गुप्तियां आ गई, ऐसी लाठियां बनी बाहर से तो लट्ठी, भीतर में मारक शस्त्र है जिसको गुप्ती कहते हैं, गुप्तियां बनी है। तो क्या हम मान लें कि जिसके पास अनुभव है उसे कोई भय नहीं है, शरण मिल गया, ये कहना तो मुश्किल है। वह भी डर रहा है, अभय नहीं है। तो हम एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि जहां बाहर में शरण की खोज है वहां कोई अभय हो नहीं सकता, भय मुक्त हो नहीं सकता, और विश्वास मानकर बैठ नहीं सकता। तब फिर भीतर में खोज, शरण की खोज शुरू हुई। शरण खोजे भीतर में, तब फिर एक स्वर निकला, नाणम शरणम मे, ज्ञान शरण है। दर्शनम शरणम मे, दर्शन शरण है। चरित्रम शरणम मे, चरित्र शरण है। तव संयमम च शरणम, तप और संयम शरण है। शरणम भगवम महावीरो, भगवान महावीर मेरी शरण है। अब दो दिशाएं हो गई शरण की, एक शरण आदमी खोज रहा है शस्त्रों के द्वारा, शस्त्रों में, और एक आदमी शरण खोज रहा है अपने भीतर। अपने भीतर उसने यह मान लिया कि अंतिम सच्चाई यह है कि बाहर कोई शरण है ही नहीं, अंतिम सच्चाई है। आजकल लोग कमांडो रखते हैं क्योंकि वहां शरण दिखाई देता है, पर जो भी आतंकारी या दूसरे आते हैं सबसे पहले कमांडो को मारते हैं, फिर उस मालिक को मार दे, तो शरण कहाँ रहा है। बड़ा कठिन है, बाहर की दुनिया में हम कह सकें कि यह शरण है, यह एकांततः कहना बड़ा कठिन है। भीतर की दुनिया में हम कह सकते हैं कि एकांततः शरण है, कोई भय नहीं अभय है, एकांततः शरण है।
और एकांततः शरण का तात्पर्य है कि भय मुक्त हो गया, कोई भय नहीं, आत्मा की सन्निधि में चला गया। जब जब शरीर की सन्निधि में रहता है तब भय की भावना पैदा होती है और शरण की बात पैदा होती है, और जब आत्मा की सन्निधि में चला गया, ज्ञान दर्शन चारित्र संयम तप शरण है, अथवा भगवान महावीर मतलब वीतराग मेरा शरण है, वीतराग अवस्था शरण है, वहाँ भय तो कोई रहा नहीं, भय तो सारा मुक्त हो गया। इस पर हम थोड़ा विचार करें, इसका विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा अशरण का कारण सबसे पहला है अज्ञान। हमारा ज्ञान सम्यक नहीं है, हमारा चिंतन का तरीका सही नहीं है। आदमी अपने अज्ञान के कारण सही सोचना नहीं जानता। एक कुम्हार गधे को लेकर और पशु हॉस्पिटल में गया, दिखाया, डॉक्टर ने देखा, दवा दी और गधा एकदम दौड़ने लग गया। उसने कहा आप क्या लेंगे? डॉक्टर ने कहा एक रुपया। एक रुपया बस? तो डॉक्टर साहब गधा तो दौड़ गया, भाग गया, मैं पीछे रह गया, मुझे 2 रुपये की दवा दो कि उस गधे को जाकर पकड़ लूँ फिर। अब चिंतन भी गलत है, सही सोचना का तरीका भी सही नहीं है कि गधा दौड़ गया और गधे की दवा उसे दे तो फिर क्या होगा सारा। चिंतन का तरीका सही होना चाहिए। मैं देखता हूँ धर्म के क्षेत्र में भी बहुत कम लोग हैं जो सम्यक प्रकार से चिंतन करते हैं, और पारिवारिक क्षेत्र में, संस्थाओं के क्षेत्र में, सब जगह ये वाद विवाद कलह कदाग्रह क्यों होता है कि चिंतन सम्यक नहीं होता। वहाँ कभी तो चिंतन हमारा क्रोध से ग्रस्त हो जाता है, कभी अहंकार से अभिभूत हो जाता है, और कभी लोभ और स्वार्थ से हो जाता है। कल गृह मंत्री से हम बात कर रहा था और एक बात मैंने बताई, मैंने कहा ऐसा यह योजना बहुत अच्छी हो सकती है। उन्होंने कहा योजना तो अच्छी है पर आदमी इतना स्वार्थी है कि इसको स्वीकार कब करेगा, समस्या वास्तव में। अच्छी बातें हैं, अच्छा सिद्धांत है, अच्छा चिंतन है, पर वह क्रियान्वित क्यों नहीं हो रहा है कि स्वार्थ आगे आ जाता है। जब चिंतन स्वार्थ से अभिभूत हो जाता है तो फिर वह चिंतन सम्यक नहीं रहता। स्थानांग सूत्र में असत्य के भी 10 प्रकार बतलाए। एक आदमी झूठ बोलता है वह तो असत्य है, सब मानेंगे इसको, पर एक आदमी गुस्से में आकर बोलता है वह वचन भी असत्य वचन है। कुछ लोग आवेश में आकर कह देते हैं कि चारों ओर पानी का त्याग है, संथारा अनशन कर लेते हैं। अब फिर हमारे पास आते हैं तो उसने अनशन तो कर लिया, अब क्या करें, खाए बिना रह नहीं सकता। मैंने कहा अनशन हुआ ही नहीं, तुम क्यों मानते हो अनशन, असत्य वचन है वह तो। आवेश में आकर अगर कोई सत्य बात भी कहता है तो आगम का सिद्धांत है कि वह असत्य वचन है, सत्य वचन नहीं है, क्योंकि वह अपनी शुद्ध चेतना से नहीं कर रहा है, एक आविष्ट चेतना से काम कर रहा है। हमारी चेतना 2 प्रकार की होती है, अनाविष्ट चेतना और आविष्ट चेतना। जब आविष्ट चेतना होती है, किसी आवेश से ग्रस्त होती है, उस समय वचन भी चिंतन भी सत्य नहीं होता, असत्य हो जाता है। तो हम अनाविष्ट चेतना से काम करें, शरण खोजें, तो हमारा सम्यक चिंतन हो तो सबसे बड़ा शरण है। मैंने स्वयं अनुभव किया, अनेक घटनाओं में अनुभव किया कि चिंतन सही नहीं था, विवाद बढ़ रहा था, और चिंतन सही हो गया, अनेकांतात्मक हो गया, विवाद समाप्त हो गया। एक सम्यक चिंतन, सम्यक ज्ञान वास्तव में शरण है। हमारा दृष्टिकोण भी शरण है। गलत दृष्टिकोण भय पैदा करता है, विग्रह पैदा करता है, और सम्यक दृष्टिकोण शरण बन जाता है।
बहुत निर्भर है दृष्टिकोण पर। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, सम्यक दर्शन देखने का क्या है। जब तक हम दृष्टिकोण को सही नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। दृष्टिकोण गलत है, वह जो क्रिया भी करता है क्रिया भी यथार्थ की क्रिया नहीं होती, एक विकृति पैदा करती है। एक आदमी बाजार में जाता साग सब्जी लाने के लिए, तो फटा हुआ चोला और पजामा भी मेला कुचेला पहन कर जाता, तो किसी ने पूछ लिया, अरे भाई तुम तो संपन्न आदमी हो, ऐसे कपड़े पहन कर बाजार में क्यों आते हो। बोला तुम समझते नहीं, मैं बढ़िया कपड़ा पहन कर जाता हूँ तो सब्जी महंगी मिलती है, और ऐसे कपड़े पहन कर जाता हूँ तो सस्ती मिल जाती है। तो उसने कहा फिर हाथ में कटोरा और रख लो, बिना पैसे ही मिल जाए, और क्या करेंगे, फिर जरूरत ही नहीं है महंगी सस्ती की। सारा दृष्टिकोण ही जब गलत हो जाता है, चाहे इसको स्वार्थ जनित दृष्टिकोण कह दो, स्वार्थ से प्रभावित, चाहे लोभ से प्रभावित दृष्टिकोण कहो, देखने का कोण बदल गया तो फिर वह आदमी कोई अच्छा काम कर नहीं सकता और भय मुक्त भी नहीं हो सकता, आशंका बनी की बनी रहती है। तीसरा हमारा सम्यक चारित्र, शरण हो सकता है। चारित्र तो सबसे बड़ा शरण है, जिस आदमी का आचरण अच्छा है वह स्वयं में शरण है, उसे शरण खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान अच्छा हो गया, दृष्टिकोण अच्छा हो गया, और फिर भय तो रहता नहीं। सिकंदर को एक सन्यासी को तपस्वी को अपने देश में ले जाने की जरूरत थी, उसे पता चला एक बहुत अच्छा तपस्वी यहाँ है, जंगल में गया, जाकर खड़ा हो गया और देखो बोलो क्या चाहते हो। कुछ नहीं चाहता, धूप आ रही है तुम आगे आगे हट जाओ, एक तरफ हो जाओ। सिकंदर बोला कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम मेरे देश में चलो। बोला मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम नहीं जानते, हाथ में तलवार ली के तुम नहीं जानते कौन खड़ा है तुम्हारे सामने, विश्व विजयी सम्राट सिकंदर खड़ा है, तुम नहीं जानते, देखो तलवार, चलो नहीं तो फिर सिर कट जाएगा। तपस्वी बोला कि सम्राट तुम अपने घर में हो, मुझे क्यों डराते हो, तुम कहते हो सिर कट जाएगा, सिर मेरा है नहीं, कट जाएगा तो मेरा क्या लिया। एकदम कहा सिकंदर झुक गया। अब उसका क्या करें, जिसको ये चिंता ही नहीं कि सिर कट जाएगा सिर मेरा नहीं है, उसका क्या कर सकते, दुनिया में इससे आगे कोई डराने का धमकाने का उपाय नहीं है। अंतिम उपाय है मार डालूंगा, है जो मरने से भी नहीं डरता, उससे फिर क्या हो, कुछ होता नहीं है। मैंने कभी लिखा था भिक्षु स्वामी के बारे में कि मौत से मरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर चुकी, मौत से डरता नहीं मैं, मौत मुझसे डर चुकी है, मौत से मरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर चुकी है। भला उस आदमी को कौन क्या करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं, अणु अस्त्र भी इसलिए है कि मार डाले, बस इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, कि मार डालो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। जब एक बार कुछ भिक्षु भगवान बुद्ध के सामने आए और बोले कि हमें जनपद बिहार की अनुज्ञा दे। बुद्ध ने कहा देखो तुम जिस जनपद में जाना चाहते हो वहाँ तुम्हें कष्ट हो सकता है,
गालियां दे सकते हैं। उन्होंने कहा कोई कठिनाई नहीं, हम सहन करेंगे। तो तुम्हें पीट सकते हैं, जब गाली देंगे तो हम सोचेंगे कि मुझे गालियां दी, पीटा तो नहीं, और पीटेंगे तब हम सोचेंगे कि पीटा है, मारा तो नहीं। अगर मार दें तो, मार देंगे तो हम सोचेंगे कि मार दिया पर मेरी आत्मा को तो नहीं लूटा, मेरे धर्म को तो नहीं लूटा, मुझे चिंता नहीं इस बात की। जब इस कक्षा पर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, इस भूमिका पर आ जाता है, फिर उसके लिए सारी दुनिया शरण है, अपने आप में शरण। शरण जब अपने आप में हो गया, उस व्यक्ति को बाहर से शरण खोजने की कोई जरूरत नहीं होती। ये अध्यात्म का चिंतन, अध्यात्म की दिशा में शरण की खोज, और शरण का अंतिम बिंदु और एक बाहर की दुनिया में, अब दोनों का अंतर है। एक और शस्त्रों का विकास हुआ और एक और चेतना का विकास हुआ वर्तमान दुनिया में भी। ये सोचना तो है, व्यवहार की दुनिया में जीने वाला आदमी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करता है, किंतु यह मान लेना चाहिए कि केवल व्यवहार की दुनिया में सुरक्षा नहीं है, अपने भीतर की सुरक्षा की भी तैयारी करनी चाहिए। अगर भीतर की सुरक्षा की तैयारी है तो वह तो मात्र व्यवहार है, भी ठीक है, काम करना है, शरीर को बचाना है, पर अगर आत्मा की सुरक्षा की बात नहीं है तो फिर वह नहीं होगा। अप्पाणम शरणम, द्वात्रिशिका में एक सुंदर लिखा गया, अप्पाणम शरणम, आत्मा को शरण मानो, यानी अपनी चेतना ही शरण है, शुद्ध चेतना जिसमें सम्यक ज्ञान का विकास, जिसमें सम्यक दर्शन का विकास, जिसमें सम्यक चारित्र का विकास, जिसमें संयम की शक्ति यानी इंद्रियों का निग्रह करने की शक्ति, मन का निग्रह करने की शक्ति, और जिसमें तपस्या का विकास, बारह प्रकार के तप, उनके द्वारा पूर्व संस्कारों के शोधन की शक्ति है, वह आत्मा ही वास्तव में शरण बनती है। अंतिम सच्चाई तो यह है, व्यवहार की सच्चाई में तो आदमी शरण खोजता है। जब नमी राजर्षि मुनि बन रहे थे, उधर इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में सामने खड़ा था, और उसने कहा कि अब आप मुनि बन रहे हैं, अभी यह उपयुक्त समय नहीं है, उचित समय नहीं है, आप समय पर मुनि बनना, पहले एक काम करें, आप राजा हैं, शासक हैं, और ये विदेह मिथिला का पूरा का राज्य है, पागारंग कारयित्तान, पहले आप प्राकार बनाओ, सुरक्षा के जितने साधन है साधन बनाओ, शस्त्रों का निर्माण करो, सजग घीयो सतघ्नि बनाओ। आज तो कहते हैं कि वे 145 में एक साथ इतनी गोलियां चलती है, शतघ्नि थी, एक साथ 100 गोले चलते थे, इतना भयंकर शस्त्र था उस जमाने का। सजग घीयो शतघ्नियों का निर्माण करो, ऐसे शस्त्रों का निर्माण करो, और फिर आप मुनि बनना। मैंने कहा मुझे कोई डर ही नहीं है, मैं शस्त्र का निर्माण किस लिए करूं? तुम कहते हो प्राकार बनाओ, मैंने तो अपना प्राकार बना लिया, 3 गुप्तियां मेरी हो गई, तिगुत्त पागारम, तिगुत्ति पागारम, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, ये 3 गुप्तियां है, इससे शक्तिशाली दुनिया में और कोई प्राकार नहीं है। दूसरे प्राकारों को तो तोड़ा जा सकता है, पहले तोपों के गोलों से तोड़ते थे और आज प्रक्षेपास्त्रों से भी तोड़ा जा सकता है, पर ये मैंने जो अपना प्राकार बनाया त्रिगुप्ति का, इसे तोड़ने की किसी शस्त्र में शक्ति नहीं है। तो एक खोज, अध्यात्म की खोज और बाहर की खोज। अब व्यवहार की दुनिया में हम नहीं कह सकते कि तुम शस्त्रों का सर्वथा अभाव रखो, निर्माण मत करो, बड़ा कठिन है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है, धन है,
और बहुत सारा है, वह सब कैसे मानेगा कि हम क्या करें? बड़ा कठिन है। और जहाँ हिंसा दोनों तीनों क्षेत्रों में है, एक तो अपने पारिवारिक क्षेत्र में भी हिंसा, फिर चोरी की हिंसा, चोर भी बड़े तरीके ऐसे अपनाते हैं, चोरी की भी दक्षता बड़ी है। पुराने चोर इतने दक्ष नहीं थे, आज तो दक्षता इतनी बढ़ गई कि पता ही नहीं चलता। ये जेब कतरे होते हैं, इतनी दक्षता के साथ जेब काट लेते हैं पता ही नहीं चलता। न्यायाधीश ने जेब कतरे को कहा कि तुम ये काम करते हो, जेब कतर लेते हो, अब तुम्हें क्या दंड होना चाहिए? फिर न्यायाधीश ने कहा कि तुम इतनी दक्षता से कैसे करते हो? बोले, हजूर ऐसे तो नहीं होता, अगर आप भी मेरे साथ आए तो मैं आपको सिखा सकता, ऐसे तो कैसे बताऊं मेरी कला आपको, सिखा सकता हूँ। पर ध्यान रखना कि आप मुझे एक सप्ताह के लिए छोड़ दें तो मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपकी जेब भी मैं काट सकता हूँ। न्यायाधीश ने एक सप्ताह के लिए मुक्त कर दिया। और सातवां दिन हो रहा है, न्यायाधीश अपने न्यायालय में जा रहे हैं, आगे जाकर देखते हैं तो जेब कटी और चोरी का नंबर आ गया उसका भी, जेब कतरे का। उसने कहा, नमस्कार, अरे कैसे किया, अब कैसे बताऊँ, मैंने पहले ही कह दिया आपको कि यह कला बताने की नहीं होती, ये हमारी गुप्त कला है, हाँ आप मेरे साथ काम करें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो हर बात में दक्षता का इतना विकास हुआ है, चोरी की दक्षता, आतंककारियों की दक्षता, कि शस्त्र चलाने में जो दो आतंककारी जितने दक्ष थे, कमांडों को भी अभी उस टेक्निक को और सीखना पड़ेगा। हिंसा का प्रशिक्षण कितनी कुशलता के साथ, कितनी उनकी एफिशिएंसी उसमें बढ़ी है, कितना चातुर्य बढ़ा है, एक भारी समस्या है। तो जहाँ व्यवहार के जगत में जहाँ यह सब कुछ चलता है, आदमी निर्द्वंद होकर जी नहीं सकता, अपनी सुरक्षा का कोई न कोई वह उपाय करता है, किंतु फिर भी अंतिम सच्चाई को न भूलें। अंतिम सच्चाई यह है कि कितना ही हो गया, किंतु जब तक भीतर में अपनी सुरक्षा नहीं है, बाहर की सुरक्षा होकर भी कुछ नहीं होता और भीतर में तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए हम दोनों दृष्टियों से काम करें, व्यवहार नय को भी सामने रखें, निश्चय नय को भी सामने रखें। व्यवहारिक समस्या का समाधान व्यवहार से करें और निश्चय नय की समस्या का समाधान नैश्चयिक दृष्टिकोण से करें। यह हमारा समन्वित दृष्टिकोण सचमुच हमें शरण की दिशा में आगे ले जाता है और एक नया प्रस्थान होता है। ओम अर्हम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।